बलात्कारियों के सम्मान में हमारी सरकारें मैदान में, ये लाइनें अब सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं। धर्म की अफीम ऐसी लोगों को चटाई गई है जिसका नशा अभी तक नहीं उतरा है और आगे भी न उतरने वाला है, क्योंकि धर्म और जाति को लेकर अब ढोंगी बाबाओं ने देश पर कब्जा जो कर लिया है। सुनकर यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन ये सच है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले बाबाओं को खुला संरक्षण मिला हुआ है और इन दिनों बीजेपी सरकार के संरक्षण में बाबा रहीम जेल से बाहर आने के बाद भी मौज काट रहा है, पैरोल पर अय्याशी कर रहा है, जिसका वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए, एक ओर बीजेपी सरकार में बिल्किस बानो के आरोपियों को मालाओं का स्वागत होता था, दूसरी ओर बाबा राम रहीम रेपिस्ट होने के बाद भी मौज मार रहा है। अब सरकार का संरक्षण ना होता तो क्या ये सब मुमकिन होता? आखिर क्यों गोदी मीडिया इस पर खामोश है, ये सवाल बना हुआ है। आज इस वीडियो को देखेंगे तो बाबा के सारे काले कारनामों के बारे में आप भी जान जाएंगे कि कैसे भोली भाली जनता को गुमराह करके बीजेपी धर्म के नाम पर बाबाओं को संरक्षण दे रही है और लोगों को बांटने का काम कर रही है। बताते हैं विस्तार से आपको, लेकिन उससे पहले एक अपील है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा था कि कैसे बाबा जेल से बाहर आने के बाद अपना म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर रहा है, लेकिन अब एक और वीडियो सुर्खियों में है जिसमें बाबा अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत संग केक काट रहा है, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। किस तरह करूं शुक्रिया, अल्फाज नहीं मिलते, जिंदगी न होती इतनी खूबसूरत अगर पापा आप ना मिलते। तो देखा आपने, अब पूरे मामले पर एक नजर डाल लेते हैं। एक खबर के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम लगातार सुर्खियों में बना रहता है। 40 दिन के पैरोल पर बाहर आने के साथ अब उसका एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में डेरा प्रमुख राम रहीम अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के साथ दिखाई दे रहा है। वही दोनों के पास एक केक रखा हुआ दिखाई दे रहा है। हनीप्रीत द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो में वो डेरा प्रमुख का हाथ पकड़कर केक काटती हुई दिखाई दे रही है। हनीप्रीत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 10 लाख फॉलोवर होने की खुशी में ये केक काटा गया था। राम रहीम ने हनीप्रीत को केक खिलाते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। वीडियो में केक काटते हुए हनीप्रीत द्वारा राम रहीम को कहा गया कि अगर जिंदगी ना होती इतनी खूबसूरत अगर आप ना मिलते। हनीप्रीत ने कहा, किस तरह करूं शुक्रिया, अल्फाज नहीं होते, पापा हम आपके शिक्षाओं पर ऐसे ही चलते रहे, आपकी रहमत पर लोग मुझे आपकी बेटी कहते हैं। वहीं आपको बता दे कि गुरु गद्दी की चर्चाओं को लेकर डेरा प्रमुख ने कहा था, हम ही गुरु हैं और हम ही रहेंगे। वहीं हनीप्रीत को रूहानी दीदी नाम दिया गया था। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है। पत्रकार काविश अजीज ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कानून अंधा होता है, बलात्कारी राम रहीम जब चाहता है जेल से बाहर आ जाता है, वैलेंटाइन डे के दिन हनीप्रीत के 10 लाख फॉलोवर होने पर केक काट रहा है। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पैरोल का मजा, बागपत में अपने डेरे पर हनीप्रीत के साथ सोशल मीडिया की कामयाबी सेलिब्रेट करता राम रहीम, बलात्कार केस में सजायाफ्ता राम रहीम 6 महीने में दूसरी बार जेल से पैरोल पर आया है, देश में न्यायिक प्रक्रिया का मखौल केस उड़ाया जा रहा है, ये वीडियो नजीर है। वहीं एक अन्य यूजर ने सरकार पर तंज कसा और लिखा है, बिल्किस बानो के हत्यारे बलात्कारी बीजेपी को अच्छे संस्कारी लगते हैं, तो ये भी अच्छे संस्कारी बलात्कारी अच्छे ही होंगे, इतनी नीचता कभी किसी ने देखी नहीं होगी, फिर भी वोट दे रहे हैं, वो लोग कितने नीच होंगे, ऐसे नीच लोगों का साथ दे रहे हैं। अब बीजेपी के राज में कैसे ढोंगी बाबा मौज काट रहे हैं, आज इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।